नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब सरकारी विद्यालयों में भी होगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग। बिहार सरकार ने आरक्षण को लेकर पटना हाई कोर्ट में ही दायर किया रिव्यू पेटिशन। नीतीश सरकार का राज्य कर्मियों को दिवाली का तोहफा। कप्तान रोहित शर्मा ने बताया शमी से क्यों करवाया अंतिम ओवर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में भेजे गए 2,000 रुपए। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईआईटी कानपुर ने 119 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर ने जूनियर असिस्टेंट के कुल मिलाकर 119 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को ग्रेजुएट डिग्री इन एनी फैकल्टी विद गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 नवंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.iitk.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब सरकारी विद्यालयों में भी होगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग। बिहार के सभी प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों को आगामी 20 अक्टूबर को स्कूलों में बुलाया गया है। इस दिन अभिभावक और शिक्षकों की मीटिंग बुलाई गई है। शिक्षा विभाग ने पढ़ाई की गुणवत्ता और अभिभावकों के दायित्व की समझ को बेहतर करने के लिए यह बैठक बुलाई है। इस बैठक के दौरान बच्चों के अभिभावकों को बताया जाएगा कि उनके बच्चों के शैक्षणिक बेहतरी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में चल रही अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी पीटीएम पहली बार बुलाई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे निधि झा की। निधि झा भोजपुरी की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। निधि झा एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं। उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर लोग लुलिया के नाम से जानते हैं। निधि झा का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिला में हुआ था। उन्होंने हिंदी टीवी शो बालिका वधू, संकट मोचन, महाबली हनुमान, सपने सुहाने लड़कपन के और क्राइम पेट्रोल जैसे धारावाहिकों में अभिनय कर चुकी हैं। निधि झा भारतीय सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री हैं, जो कि भोजपुरी से लेकर हिंदी सिनेमा और टेलीविजन शो में भी काम कर चुकी है और वह वर्तमान में मुख्य रूप से भोजपुरी सिनेमा में सक्रिय हैं। बिहार सरकार ने आरक्षण को लेकर पटना हाई कोर्ट में ही दायर किया रिव्यू पिटीशन। निकाय चुनाव में फंसे आरक्षण के पेच को लेकर सियासी गहमागहमी जारी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन दायर किया है। इससे पहले बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट द्वारा नगर निकाय चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित 4 अक्टूबर 2022 को आदेश पारित किया गया था। इसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा पटना उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। नीतीश सरकार का राज्य कर्मियों को दिवाली गिफ्ट। नीतीश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही गिफ्ट देने जा रही है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीते दिन यह जानकारी देते हुए कहा कि दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए इस बार सभी कर्मचारियों को 20 अक्टूबर को ही वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस बार दिवाली 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों का वेतन भुगतान दिवाली से पहले किए जाने पर उनके लिए यह बड़ी बात होगी। वहीं 4 दिवसीय छठ पूजा नहाय खाय के साथ 28 अक्टूबर को शुरू होगी और 31 अक्टूबर की सुबह उगते सूर्य के अर्घ्य के बाद समापन हो जाएगा। पूर्व मध्य रेल ने 12 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें और चलाने का किया फैसला। दिवाली छठ के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों के लिए 12 जोड़ी और पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। गौरतलब है कि इससे पूर्व 46 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व मध्य रेल द्वारा 12 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इन सभी 58 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों द्वारा कुल 500 फेरे लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को आरामदायक यात्रा उपलब्ध हो सकेगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें।
महाअभियान के तहत 5 करोड़ बच्चे को खिलाया जाएगा कृमिनाशक दवा। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बिहार के 5 करोड़ 7 लाख बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल की टिकिया खिलाई जाएगी। इसमें बड़े स्तर पर स्कूलों के बच्चे शामिल होंगे। अगर उस दिन किसी कारणवश दवा खाने से छूट गए बच्चों को 11 नवंबर को मॉपअप राउंड के तहत दवा खिलाई जाएगी। दवा खिलाने की इस मुहिम को राज्य सरकार ने अभियान के तौर पर क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। बताते चले कि राज्य के 32 जिलों में 1 से 19 साल के बच्चों को कृमिनाशक दवा देने का कार्यक्रम तय किया गया है। बाकी बच्चे जिलों में 4 माह पूर्व ही फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दवाएं खिलाई गई हैं। 2 लाख किसानों के खाते में भेजे गए 2,000 रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में भेजे गए 2,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान की 12वीं किस्त जारी कर दी गई है। दिवाली से पहले देश भर के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में बीते दिन 2,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बीते दिन पीएम मोदी ने एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन किया और भारत यूरिया ब्रांड नाम से किसानों के लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक नामक महत्वपूर्ण योजना भी शुरू की। यह योजना किसानों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण खाद मुहैया कराएगी। डीजीपी पर दबाव बनाने की आईपीएस आदित्य ने रची साजिश, आर्थिक अपराध इकाई कर रही जांच। हाल ही में बिहार में पकड़ाए नटवर लाल, जिसने आईपीएस ऑफिसर को बचाने के लिए पटना हाईकोर्ट का जज बनकर फोन पर डीजीपी पर दबाव बना रहा था। इसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। इस मामले में बीते दिन एडीजी पुलिस मुख्यालय जेएस गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एडीजी ने कहा कि इस मामले में आईपीएस आदित्य कुमार नामदर्ज आरोपी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके पास से मोबाइल और सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं आरोपी अभिषेक अग्रवाल आपराधिक मामले में दिल्ली और भागलपुर में भी गिरफ्तार हो चुका है। उन्होंने कहा कि अभिषेक अग्रवाल का आपराधिक इतिहास है, उन पर पहले भी फर्जीवाड़े का मामला दर्ज हो चुका है। ताजा मामले में ईओयू जाँच कर रही है। एसएसबी जवानों से भरी बस पलटी। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए ड्यूटी में जा रही एसएसबी जवानों की बस बीते दिन NH-27 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय थाना की मदद से इन जवानों को पास के डीएमसीएच में पहुंचाया गया, जहां घायल जवानों की इलाज चली। हादसे की सूचना के बाद डीएमसीएच अधीक्षक भी वहां पहुंचे। इसके बाद उन्होंने बताया कि जवान खतरे से बाहर हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि एसएसबी जवान से भरी 5 गाड़ियां गोपालगंज जा रही थी, तभी एक गाड़ी ने बिना इंडिकेटर दिए टर्न ले ली। इसी दौरान पीछे से आ रहे जवानों की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। उस दौरान बस में कुल 37 जवान सवार थे, जिसमें 5 घायल हो गए। दिव्यांगों के स्कूलों की दयनीय हालत पर दिवाली के बाद होगी सुनवाई। राज्य के दिव्यांगों के स्कूलों की दयनीय स्थिति पर सुनवाई दिवाली के बाद होगी। राजकुमार रंजन की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है। दरअसल भागलपुर के जगदेशपुर प्रखंड स्थित गिरिजा शंकर दृष्टिहीन बालिका विद्यालय के दयनीय हालत के संबंध में दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका का दायरा बढ़ाकर राज्य भर के सभी दिव्यांग स्कूलों की अवस्था की सुनवाई के लिए कर दिया है। 6 जनवरी 2020 में इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बताने को कहा था कि क्या दिव्यांग छात्रों को प्रावधानों के अनुसार मिलने वाली सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। बिहार में तेजी से बदल रहा मौसम। बिहार में इस बार ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी और मानसून की देर से विदाई का असर ठंड पर भी पड़ने वाला है। सर्दियों में इस साल पारा सामान्य से कुछ नीचे जाने की संभावना है। इस उतार चढ़ाव से अक्टूबर महीने का मौसम भी अछूता नहीं रहेगा। बिहार में अभी से ही पछुआ हवा जारी है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान पूरे राज्य में सामान्य से कुछ नीचे है, इसलिए खासकर ग्रामीण इलाकों को देर रात के समय हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा भी दिखने लगा है। राजधानी पटना में पारा सामान्य से 1 डिग्री नीचे रहा। बदलते मौसम की वजह से मौसमी बीमारी का प्रकोप भी बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए चिकित्सकों ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। हल्के गुनगुने पानी का सेवन करना उनके लिए लाभदायक हो सकता है।
दुरंतो एक्सप्रेस में हुई लूटपाट मामले में जल्द गिरफ्त में होंगे लुटेरे। राजधानी पटना के पास दुरंतो एक्सप्रेस में डकैतों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। यह घटना रविवार का है। यात्रियों को लूटने के बाद बदमाश खुशरूपुर बख्तियारपुर के बीच सालिमपुर के पास ट्रेन खींचकर फरार हो गए। यात्रियों ने यह मामला हावड़ा जीआरपी में दर्ज कराया है। इस मामले पर एडीजे मुख्यालय जीएस गंगवार ने कहा कि घटना में शामिल अपराधियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। महिलाओं की शिकायत पर यह कार्रवाई के लिए मामले को दानापुर डिवीजन फॉरवर्ड कर दिया गया है। जीआरपी के मुताबिक मामले की जाँच की जा रही है। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए पार्कों में की गई खास व्यवस्था। अमूमन देखा जाता है कि प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा के बाद गंगा के जलस्तर में कमी आती है, लेकिन इस बार इसके उलट गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है, जो छठ व्रतियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ऐसे में छठ व्रती को सलाह दी जा रही है कि वो घाट पर अर्घ देने जाने से बचे, बल्कि इनके लिए राजधानी पटना के कई पार्कों में अर्घ देने की सुविधा की गई है। पटना नगर निगम छठ व्रतियों के लिए खास इंतजाम करने जा रहा है। पटना के करीब 28 पार्कों में छठ व्रतियों के लिए अर्घ देने की सुविधा बहाल की जा रही है। सबसे अधिक कंकड़बाग में 14 पार्कों में अर्घ देने की व्यवस्था होगी। पार्कों में छठ व्रतियों की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम और लाइटिंग की व्यवस्था नगर निगम के सहयोग से किया जाएगा। जिन पार्कों में अर्घ देने की सुविधा होगी उनमें शिवाजी पार्क, मैकडोवेल पार्क, एजी कॉलोनी पार्क, पुनाई चौक पार्क, 100 MIZ पार्क, शहीद किशोर कुणाल पार्क सहित कुल 28 पार्क शामिल हैं। IMA ने निलंबन पर उठाए सवाल। NMCH के अधीक्षक को निलंबित करके तेजस्वी यादव एक और फजीहत में पड़ गए हैं। अधीक्षक को निलंबन करने के विरोध में IMA ने स्वास्थ्य मंत्री सह डिप्टी CM तेजस्वी यादव से सवाल किया है कि NMCH के अधीक्षक के निलंबन मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने कहा कि जिसकी नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री का था उसे स्वास्थ्य मंत्री कैसे हटा सकता है। IMA बिहार चैप्टर ने अब कानूनी तौर पर निलंबन को चुनौती देने का निर्णय लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से न्याय की मांग करते हुए IMA ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को बिहार सरकार के कार्यकारी व्यवसाय के नियमों को जानना चाहिए। तेजस्वी यादव के पास उस मेडिकल प्रोफेसर को निलंबित करने का कोई अधिकार नहीं है जिसकी नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। गुड़पा हिल्स इस वजह से है बेहद खास। गुड़पा हिल्स या गुड़पतगिरी बिहार के गया जिले में स्थित प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। यह बिहार झारखंड सीमा पर 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही बुद्ध के अंतिम शिष्य महाकश्यप ने निर्वाण प्राप्त किया था। गुड़पतगिरी को अब गुड़पा हिल के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी का दूसरा नाम कुकुटपतगिरी है। प्राकृतिक नज़ारे, जंगल, झरने, सूर्योदय और सूर्यास्त के नज़ारे, इन सभी ने गुड़पा पहाड़ी को पर्यटकों के बीच काफ़ी प्रचलित कर दिया है। गुड़पा पहाड़ी पर गुड़पद नाम का एक मंदिर है जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें भगवान विष्णु के पैरों के निशान हैं। यह स्थान बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के तीर्थयात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से आया चौंकाने वाला फैसला। बिहार में दो विधानसभा सीट गोपालगंज और मोकामा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने इस उपचुनाव के प्रचार के लिए नए नेतृत्व के बजाय पुराने नेताओं पर ही भरोसा जताया है। वहीं भाजपा द्वारा जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी को स्टार प्रचारकों की सूची में टॉप 10 से बाहर रखा है। इसी दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को भी 14वें और 15वें पायदान पर जगह मिली है। बोझा से सबक लेते हुए मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव के लिए जारी 40 स्टार प्रचारकों की सूची से कई नेताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह बिहार की सत्ता से उठाकर फेंक देगी राजद। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चे में रहते हैं। इस बार जिस तरह से उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया है उनके समक्ष सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने के लिए राजद में बड़ी साजिश चल रही है। अब अगर नीतीश कुमार खुद से अपनी गद्दी नहीं छोड़ते तो राजद के लोग उन्हें ऐसे धकियाएंगे जैसे कोई दूध से मक्खी फेंकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का बयान सुधाकर सिंह ने दिया है वह बताता है कि मुख्यमंत्री को राजद में ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि पहले सुधाकर सिंह अपना इस्तीफा तेजस्वी यादव को भेजते हैं, वहीं अब राजद विधायक का बयान ने इस सही अवित कर दिया है।
तेजस्वी यादव ने कहा, दिल्ली जा रहा हूँ, सीबीआई कोर्ट में हाजिर होना है। बीते दिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुए। सीबीआई की विशेष अदालत ने तेजस्वी यादव को तलब किया था। तेजस्वी यादव 18 अक्टूबर यानी आज कोर्ट में हाजिर होंगे। तेजस्वी यादव बीते दिन दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए, उसके बाद आज दिल्ली के साउथ एवेन्यू में स्थित सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में हाजिर होंगे। वहीं बीते दिन दिल्ली जाने के क्रम में तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि हमें सीबीआई कोर्ट में सशरीर पेश होना है, इसलिए हम दिल्ली जा रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है, जब तक लोग सत्ता में रहेंगे ऐसा होता रहेगा। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। नीतीश में हिम्मत है तो सुधाकर सिंह को राजद से निकलवाएं। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने सुधाकर सिंह को लेकर नीतीश कुमार को चैलेंज कर दिया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में हिम्मत हो तो वो महागठबंधन सरकार की कड़वी सच्चाई बताने वाले पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को राजद से निष्कासित कराए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के मंत्रियों की हैसियत चपरासी से बदतर हो जाने का सुधाकर सिंह का आकलन सही है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि जब तक भाजपा सरकार में थी तब तक मुख्यमंत्री अपनी सीमा में रहते थे। अपराध को लेकर सीएम नीतीश पर हमलावर हुई पुष्पम प्रिया। सरकार के खिलाफ अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपराध के मामले में सरकार को घेरा है। नई दिल्ली से कोलकाता जा रही गाड़ी संख्या 12274 दुरंतो एक्सप्रेस में बंदूक के सहारे बदमाशों ने चलती ट्रेन में यात्रियों से सामान और रुपए लूट लिए। इसको लेकर द प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार सरकार और नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ट्रेन डकैती, चलिए ये भी अब शुरू हो गया है। डकैती, अपहरण, बलात्कार, राज्य हटाने के नाम पर आए थे, अब जाते जाते फिर यही सब देकर जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के भरोसे और उसके भविष्य के साथ ऐतिहासिक गद्दारी की है। कप्तान रोहित ने बताया, शमी से क्यों करवाए अंतिम ओवर। ऑस्ट्रेलिया पहुंचे अभी 2 ही दिन हुए कि जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस करने वाले मोहम्मद शमी ने अपनी घातक गेंदबाजी से सबको अपना मुरीद बना लिया। शमी ने अपने पहले और मैच के अंतिम ओवर में पूरी ताकत झोंक दी। शमी ने उस ओवर में सिर्फ 4 रन देते हुए 3 विकेट झटका। अंतिम ओवर में कहर बरपा कर शमी ने महफिल लूट ली। मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने मोहम्मद शमी को लेकर प्रतिक्रिया दी। रोहित शर्मा ने कहा कि वह यानी शमी लंबे समय के बाद वापस आ रहा है, इसलिए हम उसे एक ओवर देना चाहते हैं, उसे एक चुनौती देना चाहते थे और उसे अंतिम ओवर फेंकना देना चाहते थे और आपने देखा कि उसने क्या किया। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत और पाकिस्तान आणविक खतरे रोकने के लिए 1998 में सहमत हुई। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेताओं पुरी का जन्म 1950 में हुआ। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का जन्म 1925 में हुआ। भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक रामकृष्ण खत्री का निधन 1996 में हुआ। प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार विश्वनाथ सत्यनारायण का निधन 1976 में हुआ। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने 2008 में रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री के लिए 189.25 करोड़ एकड़ भूमि रेल मंत्रालय को वापस की। पहले बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर SA-315 का 1972 को बैंगलोर में परीक्षण हुआ। वायरल खबर में आज बात होगी टोल टैक्स के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज बात होगी टोल टैक्स के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह फर्जी दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आदेशानुसार अगर आप अपनी यात्रा के दौरान 12 घंटे में वापस आ सकते हैं तो आपको रिटर्न जर्नी का कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा। पीआईबी ने आगे लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा यह आदेश जारी नहीं किया गया है। वीडियो कॉल के लिए गूगल मीट ने जोड़ा एक नया ऑटोमेटिक फीचर। टेक दिग्गज गूगल ने वीडियो को स्वचालित रूप से फ्रेम करके विजिबिलिटी में सुधार करने के लिए मीट उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया फीचर घोषणा की है। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि इससे पहले कि कोई उपयोगकर्ता किसी मीटिंग में शामिल हो, गूगल मीट स्वचालित रूप से वीडियो को फ्रेम करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी समान रूप से दिखाई दे रहे हैं, कोई मोशन गड़बड़ी नहीं हो, मीटिंग के विषय से ध्यान आकर्षित कर सकें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रामनवमी मांझी, शंकर मुखिया, बद्री कुमार, मंगिता भारती, पवन सिंह, मुटु रंगीला, राकेश शर्मा, रवि मोहन वर्मा, रंजित मिश्रा, नुनू कुमार, पवन कुमार पंडित और सौरभ मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या विपक्ष की तरह आपको भी लगता है कि महागठबंधन की सरकार में लूटपाट जैसे आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।